करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अजित पवार गुट और शिंदे सरकार के बीच फॉर्मूला तैयार करने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। मंत्रालय को लेकर लगातार बैठक चल रही है। मामला महाराष्ट्र में नहीं सुलझा तो अब नेताओं ने दिल्ली का रुख किया। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां मंत्रालय को लेकर फाइनल मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 जुलाई को देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लंबी बैठक चलती है। 6 जुलाई को दोपहर में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक का दौर चलता है। 6 जुलाई को ही देर रात तक एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की बैठक होती है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल होते हैं। 7 जुलाई को अजीत पवार अपने गुट के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बैठकों का दौर कब तक चलेगा? आखिर कब शिंदे सरकार में अजीत पवार गुट के बागियों के मंत्रालय पर मुहर लगेगी? 10 दिन हो गए, लेकिन अब तक खींचतान का दौर खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रालय के बंटवारे पर अड़े हैं। एकनाथ शिंदे किसी भी शिवसेना के मौजूदा मंत्री को हटाने या विभाग बदलने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि अटकलें ये भी हैं कि बीजेपी वरिष्ठ मंत्रियों को हटा सकती है। उधर अजित पवार गुट पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में अपना संरक्षक मंत्री चाहता है। सूत्रों की माने तो कल हुई बैठक में अजित पवार की ओर से फाइनेंस, एनर्जी, वाटर रिसोर्स, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता विभाग जैसे अहम मंत्रालय की मांग की गई है। अजित गुट चाहता है कि छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुशरिफ जैसे सीनियर नेताओं को बड़े मंत्रालय दिए जाएं। उधर बीजेपी और शिंदे गुट का डर है कि ऐसा करने में उनके नेता नाराज हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में कोई भी खास नतीजा नहीं निकला। 3 दौर की बातचीत के बाद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में अमित शाह की ओर रुख किया है। महाराष्ट्र में कुल 42 मंत्री पद हैं, इनमें से 14 अभी खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार को 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट को 5-5 मंत्री पद मिलेंगे। हालांकि बीजेपी विधानसभा मानसून सत्र के बाद विस्तार पर जोर देने को तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से एनसीपी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तब से बड़ी संख्या में शिवसेना और बीजेपी के असंतुष्ट विधायकों की नजर मंत्री पद पर है। बहरहाल महाराष्ट्र में सियासी घमासान का खेल खत्म नहीं हुआ है। साहिल जोशी के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।